अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फ्यूजन सीरीज ट्यूटोरियल नंबर 12। आज के ट्यूटोरियल में आप ये देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में किस तरह शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने गूगल फॉर्म की तरफ। ये हमारा गूगल फॉर्म है। ओके, आप चाहें तो डिफरेंट फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सर्वे फॉर्म हो। हमने अपनी यहाँ पर जो है एजुकेशनल पर्पज के लिए क्विज जनरेट किया हुआ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये क्विज किस तरह जनरेट हुआ है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले सेंड करने के लिए आपने शेयर करने के लिए सेंड बटन पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, सेंड वाया ईमेल, लिंक और एम्बेड एचटीएमएल। तो वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सबसे पहले ईमेल अगर आप करना चाहें स्टूडेंट को, तो इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस आप यहाँ एंटर करते जाएंगे और सेंड करते जाएंगे। इसके अलावा अगर इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर देते हैं कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, तो जो स्टूडेंट इस फॉर्म को रिस्पॉन्ड करता जाएगा उनका ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट होता जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्वियसली आप अपने क्विज का टाइटल मेंशन कर देंगे यहाँ पर, या फिर जो भी आपका गूगल फॉर्म है, सर्वे फॉर्म है, तो वो जो भी आपका टाइटल होगा आप वो सब्जेक्ट में मेंशन कर देंगे। इसके अलावा इस ईमेल में कोई मैसेज अगर आप लिखना चाहें, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट अ फॉर्म, तो आप जो भी मैसेज आप साथ इस फॉर्म के सेंड करना चाहते हैं वो भी सेंड कर सकते हैं। देन इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, अगर आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं तो उससे ये आपके ईमेल के साथ इनवाइट हो जाएगा, और जब स्टूडेंट ईमेल ओपन करेगा तो ये वहीं पर अपने ईमेल बॉडी में ही इसको अटेम्प्ट भी कर सकता है और देन सेंड। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास लिंक का, ये आपके गूगल फॉर्म का लिंक है। आप इसको कॉपी करेंगे और जब आप इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, लेट सपोज आपने इसको स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया, या फिर आप जूम मीटिंग ऐप पे उनको अगर पढ़ा रहे हैं तो आप उनको चैट बॉक्स में इसको लिंक को शेयर कर दें। इसके अलावा आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वहां पर इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर अकाउंट एंड सो ऑन। देन आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर शॉर्ट एन URL। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि आपका URL शॉर्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है एम्बेड HTML। एम्बेड HTML में आपको ये एक लिंक दे रहा है, आपने ये लिंक कॉपी करना है और फिर अपनी वेबसाइट, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है तो वहां ले जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। इससे यूजर्स जो है आपकी वेबसाइट पे इस फॉर्म को देख सकेंगे और वहीं पर रिस्पॉन्ड भी कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो अपना फॉर्म सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक या ट्विटर। आप इसको क्लिक करेंगे और देन ये आपका फॉर्म वहां शेयर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स हम देखते हैं कि जब हम फॉर्म सेंड कर रहे होंगे तो हम उन सेटिंग्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर टॉप पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे जनरल प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। आपने ये ऑप्शन सेंड के ऑप्शन में भी देखा था, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर आप इसको यहाँ क्लिक कर देंगे या वहां पर भी कर देंगे, देन आपके पास ये एक और ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इस ऑप्शन को इनेबल करने से ये होगा कि जो भी स्टूडेंट इस क्विज को अटेम्प्ट करेगा उसको इसकी एक कॉपी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं, इफ रिस्पॉन्डेंट रिक्वेस्टेड और ऑलवेज, अगर रिस्पॉन्डेंट कह रहा है तभी आप इसको शेयर करेंगे या सबके साथ, ओके। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज रिक्वायर्ड साइन इन, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अगर ये एक क्विज है तो ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि स्टूडेंट एक बार इसको अटेम्प्ट करे और उसके बाद ना कर सके, और अगर ये कोई और सर्वे फॉर्म है तो आप चाहेंगे, ठीक है, यूजर्स जो है वो एक से ज्यादा दफा जो है अपने रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये हमारी एग्जाम्पल जो है वो क्विज की है, तो मैं इसको लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर रही हूँ। स्टूडेंट सिर्फ एक ही दफा इसको अटेम्प्ट कर सकेगा। देन रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो अगेन इट्स अप टू यू,
कि ऑब्वियसली अगर क्विज होगा तो आप नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट अपना सबमिटेड वर्क एडिट कर सके एंड देन सेव चेंजेस। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का ऑप्शन भी है, शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चंस ऑर्डर नेट सेक्टर। प्रोग्रेस बार अगर हम शो कर देते हैं तो उससे स्टूडेंट को ये मेंशन होता रहेगा, लेट सपोज आपके क्विज में 5 क्वेश्चंस हैं और वो फर्स्ट पर है, तो प्रोग्रेस बार उसको ये बताता रहेगा कि आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी कितने हैं। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, हमने एक शफल का ऑप्शन देखा था जब हम क्विज जनरेट कर रहे थे कि हम ऑप्शंस को जो MCQs हैं उनके ऑप्शंस को किस तरह शफल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन है शफल क्वेश्चन ऑर्डर, क्वेश्चंस भी आप जो है उनको शफलिंग के साथ स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। देन आपके पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है कंफर्मेशन मैसेज, तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज भी लिख सकते हैं, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड लाइक दिस। थर्ड ऑप्शन इज क्विजेस, फर्स्ट ऑप्शन इज मेक दिस अ क्विज, सो ये हमारा फॉर्म जो है वो एक क्विज ही है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन रिलीज ग्रेड्स, सो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, अगर ये ऑटो स्कोरिंग क्विज होगा तो हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन मार्क्स रिलीज करना चाहेंगे, और अगर लेट सपोज ये ऑटो स्कोर नहीं है और आप इसको मैनुअल चेक करना चाहते हैं देन बाद में इसको मार्क्स आप रिलीज करना चाहेंगे देन आप सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, देन रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन मिस कर चुके हैं, उसको इनेबल कर देते हैं। करेक्ट आंसर्स, ओके, वो देख सकते हैं कि उनके आंसर्स कौन से करेक्ट हैं, इसको भी कर देते हैं टिक। एंड देन पॉइंट वैल्यूज, स्टूडेंट्स को पता हो कि हर क्वेश्चन के टीचर ने क्या मार्क्स असाइन किए, तो हम ये भी स्टूडेंट्स को शो करना चाहते हैं। देन सेव चेंजेस, तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेटिंग्स के बाद स्टूडेंट्स को या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने गूगल फॉर्म को शेयर कर सकते हैं और इजीली रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक टुडेज ट्यूटोरियल एंड होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। And thanks for watching and don't forget to like and subscribe. Love is